नमस्कार, आप देख रहे हैं जीबीएन 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ ममता मिश्रा। औरंगाबाद दो पक्षों के बीच जमीनी विवाद ने खूनी संघर्ष देखने को मिला है, जिसमें 3 महिला समेत कुल 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसमें 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। घटना ओबरा थाना क्षेत्र के बेला गांव की है। घायलों ने बताया कि कई वर्षों से मालिक गैर मंजूरुआ जमीन पर रह रहे थे, लेकिन गांव के ही कुछ दबंगों द्वारा जबरन जमीन को खाली कराने का प्रयास किया जा रहा था, जिसके बाद आज मामला हिंसक रूप ले लिया, जिसमें 3 महिला समेत कुल 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसमें 2 की हालत गंभीर बनी हुई है तथा गंभीर हालत को देखते हुए चिकित्सकों ने बेहतर इलाज के लिए बाहर रेफर कर दिया है। इधर घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने पूरे मामले की तहकीकात में जुट गई है। जीबीएन 24 के लिए औरंगाबाद से रुपेश कुमार की रिपोर्ट। हुआ ये कि हम माले गर्मजरुआ जमीन में रहते हैं, हमारे आगे पीछे ने बहुत सता रहा है, बोल रहा है कि ये जमीन खाली कर दो, निकाल दो, और गड़ासा भाला से हमारे माँ के भाई को बाप को इस सब के मारा है, यही बात है। और बगल के है जितेंद्र प्रजापति, वीरेंद्र प्रजापति, गोविंद शर्मा। कितने लोग घायल हैं आप लोग? हमारे सब परिवार घायल हैं, 6 परिवार हैं, 6 घायल हैं, हम लोग एक भी सही नहीं है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ उपेंद्र ठाकुर। कौजी के मामला है, जमीन के हम कहे कि नापी करा ले, हमारे में सटो तो सटा ले, तब कहे थे कि हमारा नापी न करे लगी है, हमारा डरे कान के मारे लगल, बोल हाथ हम पड़े थी और तैयो न मन लगा के डरे कूद के मारे लगल। कौजी से मार ले हवा, सावल से, गड़ासा से, लाठी से, टेंपा से। क्या हो के चोट लगा है? ये सब हमने छोड़ो के कर दिया है।